नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र के हरवा चौक के समीप एक गोदाम में पुलिस ने छापेमारी कर 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का प्रतिबंधित कप सिरप कोरेक्स जब्त किया। अररिया एसपी अमित कुमार रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नशे के इस धंधे में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि 4500 लीटर कोडिंग युक्त कोरेक्स कप सिरप बरामद हुआ। गोदाम में रेड के दौरान एक ट्रक और एक पिकअप वैन को भी जब्त किया गया। अररिया एसडीपीओ राम पुकार सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि कोरेक्स जैसी कोडनयुक्त कप सिरप लोग बड़ी संख्या में नशे के रूप में सेवन करते हैं और यही वजह है कि नेपाल सीमावर्ती अररिया जिले के कोडनयुक्त नशीले कप सिरप का गोरख धंधा लगातार फल फूल रहा है। टीम बनाई गई। गुप्त सूचना के आलोक में हरवा चौक स्थित गोदाम, जो खाद गोदाम होता है, और आरा मिल के पास रेड किया गया। रेड के क्रम में एक ट्रक एक पिकअप को सीज किया गया और गोदाम में जो है 45,800 बोतल कोडीन युक्त कप सिरप को सीज किया गया। इसमें कुल 4500 लीटर कोरेक्स था और इसमें 45,800 mg कोडीन है इसमें। ये पूरा इलीगल स्टोर था और इसका कोई इनके पास बही खाता नहीं था और इसको नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो लगातार हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। 3 लोग को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। आगे की हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो इसका पूरा मूल्य है वो 1 करोड़ 3 लाख के आसपास है और एक बड़ी सफलता जो कि यहाँ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में और एसडीपी अररिया के नेतृत्व में हम लोग को मिली।